नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है एम्पीरियल फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, उड़द की कटाई चालू हो गई है हमारे यहाँ एमपी सिवनी में, जो कि हमारा ही उड़द का खेत है। ये अभी ये दूसरा दिन चल रहा है उड़द कटाई का। ये देखिए किस तरीके से अभी कटाई चल रही है। अभी तीन लोग मिलकर ही काट रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लेबर की भी आवश्यकता नहीं रहती है, इसमें कम ज़मीन में है। देख सकते किसान भाइयों, इसी तरीके से हसिया के माध्यम से कटाई हो जाती है। और ये अभी 80-85 दिन की उड़द की फसल हो चुकी है। ये अभिमन्यु का हाइब्रिड बीज बोया था हमने। इसकी हाइट तो ठीक ही है, लेकिन इस बार फल थोड़ा कम आए हैं ज़्यादा बारिश होने के कारण। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उड़द की फसल पककर तैयार हो चुकी है और ये लगभग 3 महीने की फसल होने वाली है अभी, क्योंकि इसको 14-15 तारीख को बोया गया था और आज 9 तारीख हो चुकी है। ये देख सकते हैं इसकी कटाई भी चालू हो गई है, लेकिन एक समस्या का सामना करना पड़ता है किसान भैया को, मौसम का। क्योंकि मौसम ख़राब हो जाता है तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कल यहाँ तक कटाई हो गई थी लेबरों को के माध्यम से, तो हमने इसको इतना उठा दिया और यहाँ से यहाँ तक फिर कल उन्हें शाम से काटा था, तो फिर देख सकते हैं आप यहाँ तक कटा हुआ है। और ये देखिए, एक बारिश से बचा लिया हमने इसको, तो ये थोड़ा सूख गया है और हल्का हल्का गीला हो गया था, तो ये अभी दाने काफ़ी अच्छे हैं। इसको आज दिन भर हमने 2-3 बार पलटा दिया है और ये देख सकते हैं पूरा गीला है पूरा ही। इसको अभी फट्टे में इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि बारिश होने की संभावना है। अब चलिए दिखाते हैं हम आपको उड़द की फसल। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से काट कर रख दिया है, क्योंकि ये मशीन से नहीं कट सकता, बहुत नीचे से फटता है। इस तरीके से उड़द की फसल आ चुकी है। यदि आज बारिश नहीं हुई तो फिर कल से कटाई चालू हो जाएगी। इसमें देखिए सबसे पहले की बोनी है, इसमें हमने मसूर बोया था, फिर तो काफ़ी खरपतवार उग चुकी है इसमें। खरपतवार नाशक का उपयोग भी किया, लेकिन असर नहीं किया उसने उतने अच्छे से। इस बार फल थोड़ा कम समझ में आ रहे हैं उड़द की फसल में, जबकि हमने स्प्रे टाने के लिए सब कर दिया है इसमें। अब हम इसको इस तरीके से अभी हाथ से उठाकर एकत्रित कर रहे थे, इस तरीके से डलिया के माध्यम से जो बांस का बना रहता है उससे एकत्रित कर रहे हैं और उसको ले आकर ढेर में डालेंगे। हो सके तो कल गा सकते हैं या परसों भी गा सकते हैं, क्योंकि इसको सुखाई के कहना पड़ेगा तो जगह भी बनाना पड़ता है। एकदम से बारिश आ गई थी परसों के दिन, आधे घंटे तक आंधी तूफान वाली, तो उन्हें फटाफट उठाकर एकत्रित कर लिया फट्टे में। अभी भी कर रहे हैं इसको, कल दिन भर सुखाना पड़ेगा, फिर ये बाकी कल जो कटेगा तो फिर उसको एकत्रित करेंगे। ऐसे तरीके से मेहनत का काम तो चलता रहता है। फिर ये कट के हो जाएगा, फिर इसको थ्रेसिंग करेंगे, उसके बाद फिर मूंग आ जाएगी कटाने के लिए, तो उसके बाद मक्का बोने की तैयारी करने पड़ेगा। जिस तरीके से कंटिन्यू काम चलते रहता है, आपको बताएंगे कि कितना उत्पादन निकला है इसका। इतनी जगह में 0.5 एकड़ से थोड़ा सा ज़्यादा ही। मैंने देखिए वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके कटाई का वीडियो भी हम आपके लिए कल लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।